नमस्कार, मैं आशिक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं लाइव खबर। क्रिकेट का खेल भी बड़ा निराला है, इसमें आपका परफॉर्मेंस ही आपको महान बनाता है। आपने अगर अच्छा खेला तो यहाँ मिलेगी आपको तारीफों की सौगात, और मान लो अगर आप अच्छा नहीं खेल पाए तो आपको मिलेगी लोगों की नाराजगी और तिरस्कार। जब आप एक खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं कि लोग आपको प्यार करते हैं और उनकी जुबान पर सिर्फ आप ही का नाम है, तो आप सातवें आसमान पर होते हैं। लेकिन जब इन्हीं लोगों का क्रूर बर्ताव आप अपने लिए देखते हैं तो आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि आपके फैंस ही आपका हौसला होते हैं, और जब आपका हौसला ही टूट जाए तो आपका खेल से मन उबने लगता है। इन हालातों में खिलाड़ी संन्यास ले लेता है। ऐसा ही कुछ करने की उम्मीद शायद महेंद्र सिंह धोनी से है, लेकिन क्या इन सब हालातों से थक कर संन्यास ले लेना जायज है या नहीं, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ICC विश्व कप 2019 में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन ना करने से लोग महेंद्र सिंह धोनी को रिटायर होने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल चुके हैं कि धोनी वही खिलाड़ी हैं जिनके नाम की माला कभी ये जपा करते थे। ये वही धोनी हैं जिन्होंने आपको 2007 में T20 विश्व कप का तोहफा दिया था। धोनी की कप्तानी में ही आपने 2011 विश्व कप अपने नाम किया था। वो धोनी ही थे जिनके साए में टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती। धोनी की कप्तानी में ही टीम के सर टेस्ट का ताज सजा था। ऐसे लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं, हम उनको याद दिला दें कि 2005 में सचिन तेंदुलकर को भी रिटायर होने की सलाह दी जा रही थी। 2007 के विश्व कप के बाद सचिन ने भी तय कर लिया था कि अब वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 60 से 70 रन ही बनाए थे। लेकिन सचिन ने आलोचकों को दरकिनार कर खेलना जारी रखा। इसके बाद वनडे और टेस्ट क्रिकेट को मिलाकर 100 शतक पूरे किए और 2011 का वर्ल्ड कप टीम के साथ उठाकर एक अविश्वसनीय करियर पूरा किया। 80 के दशक की बात करें तो सुनील गावस्कर जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ कानपुर टेस्ट में नहीं चले, उनको भी संन्यास लेने की सलाह दी गई, लेकिन गावस्कर ने दिल्ली टेस्ट में अपना रुख बदलते हुए सुरक्षात्मक अंदाज छोड़ गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। उन्होंने सिर्फ 94 गेंदों में सेंचुरी बना डाली, जो उन दिनों खेले जाने वाले टेस्ट मैचों के लिहाज से बहुत तेज शतक था। इसके बाद सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। 4 साल बाद जब गावस्कर ने क्रिकेट को अलविदा कहा, तब वो 10,000 से ज़्यादा रन पूरे कर चुके थे। इसके अलावा सौरव गांगुली को भी टीम से बाहर करने के पक्ष में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, जबकि उनका खेल उस समय ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे ही लोग खिलाड़ियों का मोराल डाउन करते हैं, जिस कारण उनका मनोबल टूटता है और वो खेल को अलविदा कह देते हैं। अगर बात करें धोनी की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी इस विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखा पाए हैं। वे पहले मुकाबले में धीमे पड़े, उनको क्रीज पर आंखें जमाने में समय लगता है, पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मुश्किल पिच पर महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से 56 रन बनाए, वो काबिलिए तारीफ था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने आखिरी ओवर में जीत की कोशिश नहीं की, इसको लेकर उनकी काफ़ी किरकिरी हुई, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी भी काफ़ी धारदार रही। मान लो अगर धोनी सिर्फ धूम धड़ाका करने वाले बल्लेबाज होते तो उनके बल्लेबाजी की उम्र शायद इतनी लंबी नहीं होती। धोनी भले ही अपने शुरुआती दौर में विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हों, लेकिन कुछ वर्षों बाद वे संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। वनडे मैचों में 5,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा नाबाद पारियां उनके ही खाते में हैं। वे 84 बार नाबाद रहे हैं। ऐसे ढेर सारे मौके आए जब आखिरी ओवर में खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने टीम को जीत दिलाई, और वे काफ़ी लंबे शॉट खेलकर भी लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहे। 2019 में उन्होंने अब तक 16 मैच खेले हैं और इनमें उनका औसत 61 पार रहा है। विराट कोहली को छोड़ दें तो कोई उनके आसपास भी नहीं है। लेकिन ये कितना जायज है कि इस प्रकार कोई खिलाड़ी दबाव में अपने खेल को ख़त्म कर दे? शायद वो जानता है कि अभी उसके अंदर खेल बाकी है। हर खिलाड़ी अपने आप को समझता है और उसे पता होता है कि वो कब तक और खेल पाएगा। जब सही समय आता है तो वो खुद ही अपने आप को खेल से दूर कर देता है और क्रिकेट मैदान को अलविदा कह देता है। लेकिन उस पर इतना दबाव डालना, क्या ये जायज है? आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा किस प्रकार खिलाड़ी दबाव में आकर अपने करियर को अलविदा कह देते हैं। क्या इस तरह से अपने करियर को ख़त्म कर देना जायज है या नहीं? इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहें लाइव खबर। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ताज़ा जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबाएँ।